हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, अमेजोन पे ग्रेट रिपब्लिक सेल चल रही है, जहां पर जो है 20 जनवरी तक ये सेल चलने वाली है। और गाइस, अगर आपको बताऊं, मैंने इसमें से एक ऑफर शानदार सेलेक्ट किया है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में अपने आप में बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। गाइस, ये जो फोन है ना, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, जिसका नाम है IQ Z6 44 वॉट के साथ में। गाइस, ये जो प्राइस आफ्टर कार्ड डिस्काउंट है, लगभग आपको जो है 12,750 रुपए का मिल जाएगा। और इस प्राइस सेगमेंट मैं लिटरली बोल सकता हूं कि ये जो है इस पे सेगमेंट में सभी फोन को जो है कंपटीशन दे सकता है। गाइस, क्या कॉन्फिगरेशन है, क्यों परचेस करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, Amazon पे ग्रेट रिपब्लिक सेल चल रही है, जो कि है 15 जनवरी से 20 जनवरी तक आपको जो है देखने को मिलेगी। SBI कार्ड का आपको यहां पे ऑफर देखने को मिलता है। तो यहां पे SBI कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद में ये फोन आपको मिलने वाला है 12,750 रुपए का। और गाइस, इस फोन के अगर फर्स्ट लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो इस पर सेगमेंट में बहुत ही शानदार डिवाइस बन जाता है। फर्स्ट लुक के बारे में बात करते हैं, तो ये है यहां पे IQ G6 44 वॉट के साथ में। 44 वॉट का यहां पे एक हाईलाइट पॉइंट बना दिया था जब ये फोन लॉन्च हुआ था। तो यहां पे 44 वॉट का चार्जर आपको इनबॉक्स में देखने को मिलता है, जो कि है 5000 mAh बैटरी के साथ में। गाइस, काफी इंटरेस्टिंग फोन यहां पे जो है चार्जिंग के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके और कॉन्फिगरेशन के बारे में, तो लुक वाइज में ये फोन जो है काफी इंटरेस्टिंग है। वाटर ड्रॉप नॉच है, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, इस पर सेगमेंट में इजीली जो है कंपटीशन दे सकता है अदर फोन्स को। अगर हम बात करते हैं बैक डिजाइन के बारे में, तो वो भी जो है काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, कैमरा जो मॉड्यूल है वो काफी अच्छा दिख रहा है। एंड गाइस, बात करते हैं फ्रंट डिजाइन के बारे में, तो वो है वाटर ड्रॉप नॉच। लेकिन आपको यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको मिलता है यहां पे एमोलेड स्क्रीन। और गाइस, एमोलेड स्क्रीन का मतलब है कि यहां पर कोई व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग मिलेंगे। इनफैक्ट जो सैमसंग का फोन होगा ना इस पर सेगमेंट में, वहां पर भी आपको जो है नहीं मिलेगा एमोलेड स्क्रीन। इसका मतलब है कि यहां पे डिस्प्ले में तो जो है एक अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है सैमसंग का डिस्प्ले है, लेकिन सैमसंग के फोन में ही देखने को नहीं मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन को जो है ये फोन इजीली बीट कर सकता है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पे परफॉर्मेंस ओके सा है, जो कि है स्नैपड्रैगन 680 एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे ओवरऑल कॉन्फिगरेशन के बारे में, तो यहां पे इंटरेस्टिंग फोन आपको जो है जरूर देखने को मिलेगा। हम इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, Vivo के T1 को भी यूज कर चुके हैं और IQ Z6 को भी यूज कर चुके हैं, तो परफॉर्मेंस में कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है, गेमिंग में अंदर कोई लैगिंग देखने को नहीं मिलती है। हालांकि जो है प्राइस अकॉर्डिंग जो है कंफर्टेबल हम इसको जो है एक अच्छा बोल सकते हैं। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पे यूज किया गया है ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 MP के साथ में, एंड सेकंड थर्ड कैमरा है वो है 2 MP का। लेकिन ओवरऑल जो है यहां पे प्राइमरी सेंसर जो है एक अच्छी इमेजेस डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेगा। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि है 16 MP का फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर, जो कि एक स्मूथ आपको जो है इमेजेस प्रोवाइड करता है। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी चार्जिंग एंड यहां पे जो है अदर फीचर्स के बारे में, तो आपको मिलता है यहां पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। गाइस, ये जो है बहुत ही बड़ा यूनिक पॉइंट है, मतलब आपको 13,000 रुपए के अंदर जो है 12,750 का फोन देखने को मिल रहा है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। लेकिन गाइस, इस पर सेगमेंट में दूसरे ब्रांड के पास अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, ओवरऑल जो फीचर है ना इसके, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। सिर्फ यहां पे फर्क क्या है, वाटर ड्रॉप नॉच है, उससे कोई हमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे जो सभी कॉन्फिगरेशन है वो काफी शानदार आपको देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी है, 44 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड सभी यहां पे जो है आपको ऑलमोस्ट सेंसर जो है देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ओवरऑल जो पैकेज है मुझे तो काफी अच्छा लगता है। बाकी आप बताना कि क्या आपको अच्छा लगा या फिर जो है नहीं लगा इस प्राइस सेगमेंट में, क्या आप परचेस करने वाले हो या फिर जो है नहीं करने वाले हो, जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इन फोन के वेरियंट्स के बारे में, तो आपको मिलता है यहाँ पे 4GB RAM एंड 6GB RAM दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके आप अपनी जो है ओपिनियन जरूर बताना इस फोन के बारे में, क्या परचेस करने वाले हो या फिर जो है नहीं, जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।